देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार पहले थी फर्स्ट टेन्योर में, उस समय भी सर्वसम्मत प्रस्ताव करके वहां पे भेजा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी सर्वसम्मत प्रस्ताव करके भेजा था। तो दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत करके भारत की सरकार के पास पड़े हैं। मैं अपील करना चाहूंगा गुर्जर समुदाय से कि वो दोनों अपील हैं, आप देश के होम मिनिस्टर साहब से, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात का दबाव उन पे करें कि जिस प्रकार से 10% आरक्षण उच्च वर्ग के लिए किया है, उसी तरीके से नवीं सूची में डाल करके गुजर समुदाय के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करें। मंत्रियों की कमेटी गठित करिए, आप भी शामिल हैं, समाज से क्या अपील है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राजस्थान के गुर्जर समुदाय से इस बात की अपील की कि बैंसला जी के अनुयायी हैं और बैंसला जी के फॉलोअर जब हैं, तो मैं अपील करना चाहूंगा पूरे समाज से कि कोई भी बात होती है वो शांतिपूर्ण तरीके से बात होती है। ठीक है, आप अपना हक मानना, हक जताना चाह रहे हैं कि 5% आरक्षण जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम पटरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा, मैं कमेटी का मेंबर भी हूं, हमारे एक साथी विश्वेंद्र सिंह जी वहां पे गए हुए हैं, उनसे रात भी बात हुई है, कल दोपहर को भी बात हुई है, बराबर वार्तालाप चल रही है। और मैं अपील करना चाहूंगा गुर्जर समुदाय से कि किसी भी प्रकार का हिंसा अपने हाथ में नहीं लेवे। देखिए, आगजनी घटनाएं हो रही हैं, ये दुखद घटनाएं हैं, मैं इसकी वैसे तो निंदा करता हूं, लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें। निश्चित तौर से हमारी सरकार गुर्जरों की जो बात है उस बात को किस प्रकार से हम सुलझा सकें, उसका माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके, अधिकारियों के साथ बैठ करके, सबके साथ बैठ करके वार्तालाप करके इसका निपटारा किया जाएगा। आवेदन करना चाहूंगा कि आप आइए, अब तक आप हमेशा जयपुर आकर के वार्ता में शामिल हुए हैं, आप आए हैं, आपकी टीम आई है, और आज भी मैं कहना चाहूंगा आप पटरी पर बैठे रहे, लेकिन आप अपनी टीम को यहाँ पे भेज दे। मेरी अपील है उनसे कि टीम भेजेंगे तो निश्चित तौर से सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वो बात होगी और उनकी जो भी मांग है उस मांग को किस प्रकार से संवैधानिक तरीके से पूर्ति कर सकें वो पूर्ति करने की बात की जाएगी। ये कि सरकार को बने हुए मात्र 45 दिन हुए हैं, सरकार सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हर समय संवैधानिक जिस प्रकार संविधान में है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे में सारी चीज हो सकती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप आए और बैठ करके बात करें। लेकिन वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो सारे रास्ते जाम करेंगे, तो देखिए भैया, देख सरकार का काम है, सरकार भी अपना काम करेगी।